हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार न्यू ब्लॉग में। मैं हूँ जानकी जोशी, हल्द्वानी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। आज है देव शयनी एकादशी, तो एकादशी का आज व्रत रहेगा। और अभी मॉर्निंग के बचे हैं 8 साढ़े 8 का टाइम हो रहा है। नहा धो भी लिया है। आज मैंने कोई ब्लॉग भी नहीं डाला है क्योंकि मेरे पास ब्लॉग एडिट करा हुआ भी नहीं था। आज शाम को मंदिर में कीर्तन भजन करने भी जाएंगे। और आज है देव शयनी एकादशी, तो आज के दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। और इसको चातुर्मास भी बोला जाता है। चातुर्मास में कोई शुभ कार्य भी नहीं होते हैं, और ऋषि मुनि लोग जो होते हैं, तपस्वी लोग जो होते हैं, वो इस टाइम पर कोई तीर्थ यात्रा में नहीं जाते हैं, भ्रमण के लिए नहीं जाते हैं, ऐसा मानना होता है। कर लेते हैं ब्लॉग की स्टार्टिंग, और मैं भी जाती हूँ पूजा करने के लिए। उसके बाद आपसे मिलती हूँ, बने रहें आप ब्लॉग में। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं। और सपोर्ट कीजिएगा अपनी जानकी जैसी ब्लॉग को। कृष्णाय वासुदेवाय हरे प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो फाइनल दोस्तों, पूजा हो गई है। पिछली बार आप लोगों ने मेरी वीडियो में बोला था कि आपकी रोटी का साइज काफ़ी बड़ा है, और किसी ने मैसेज किया था कि खाने का मन भी कर रहा है, तो खाने का मन कर रहा तो आ जाओ, रोटियां बन चुकी हैं। और रोटी के साइज़ का मैं आपको बताऊं कि रोटी का साइज़ मेरा छोटा बड़ा होते रहता है, क्योंकि जब कम टाइम होता है तो बड़ी बड़ी रोटी बना के फटाफट से बच्चों को निपटा देती हूँ, और टाइम होता है तो छोटी रोटी भी बनाती। तो आज मैंने रोटी का साइज़ सही रखा है, और फटाफट से बच्चों को बनाती हूँ, खाना देती हूँ। और उसके बाद सब्जी बनाई थी, और बच्चे तो खाने भी लग गए थे, ले भी गए थे लौकी की सब्जी और साथ में रायता। तो अभी हो गया शाम के 4 बजे का टाइम दोस्तों, और मैं भी हो गई हूँ रेडी मंदिर में जाने के लिए। तो अभी मैं जा रही हूँ मंदिर में भजन करने के लिए। एकादशी का दिन है, वैसे भी हम अब सावन लग गया है, तो अब हम डेली जाएंगे भजन करने के लिए। तो मैंने भी साड़ी वाड़ी पहन ली थी। मैं पहले सोटी में आ रही थी, मीनाक्षी का फोन आया कि साड़ी पहन के आना, तुम्हारा तो व्रत है, तो साड़ी पहन ली है। और गुंजन जा रही है अपने घर, उन्हें तो जा रही है बाय, तो चले जाना ठीक है। और खुशी भी जाने वाली थी, खुशी का जाना कैंसिल। और निहारिका अब भी ट्यूशन से आई है। कितनी पैकेट मैगी बनाई है अभी बता दे चल। 5 पैकेट मैगी बनाई बेचारी, उसकी मैगी भी खा गई ये लोग, अब उसको दोबारा से मुझे पैसे देने पड़ रहे हैं। शिखा भी जा रही है, गुंजन भी जा रही है, दोनों जा रहे हैं मौसी के घर। वो तो अपनी मम्मी के घर जा रही है, शिखा मौसी के घर जा रही है। अच्छा, और मैं जा रही हूँ मंदिर, काना चले गया खेलने के लिए। मिलते हैं आपको मंदिर में, ठीक है, बाय गुंजू, बाय। जी yeah.
एकादशी मैया की।